दिवस पर रायपुर बीजेपी कार्यालय समेत तमाम जगह मास्क लगाकर योगाभ्यास हुआ। पार्टी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन देव साय मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित संख्या में नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सभी लोगों को घर से योग करने की सलाह दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य बताया। ये प्राचीन विद्या प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे विश्व में स्थापित हुई है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि पूरे विश्व में 150 से ज्यादा देशों ने योग को अपनाया है और उसका श्रेय भारत को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है, जिसमें पूरा विश्व निरोगी होना चाहिए। वसुदेव कुटुम्बकम की भावना से भारत ने पूरे विश्व में योग अपनाने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योग विधा को पूरे विश्व में स्थापित किया। वैसे तो ये योग की विधा हमारे देश की एक बहुत प्राचीन विधा है। पूरे विश्व में और 150 से ज्यादा देश योग को अपनाया है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत को जाता है। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यूएनओ ने और इसको स्वीकार किया और योग से निरोग होने के लिए पूरे विश्व निरोगी होना चाहिए। धर्मपुरी से अगली खबर आपको बता रहे हैं।